दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आमतौर पर उड़ने वाले सांप बहुत कम देखे जाते हैं। हैरानी की बात लगती है कि बहुत ज्यादा जहरीले ना होने पर भी इन सांपों का खौफ बहुत ज्यादा रहता है। इनके पंख ना होने के बाद भी ये उड़ कैसे लेते हैं, इस बात का पता वैज्ञानिकों ने लगा लिया है। ये सांप एक खास गतिविधि के जरिए उड़ पाते हैं। पैराडाइज ट्रीज में क्या क्रिसोपेलिया पैराडिसी प्रजाति का यह सांप एक पेड़ की शाखा से दूसरी शाखा तक उड़ जाता है और कई बार वह उड़कर जमीन पर भी उतर जाता है। उड़ान के लिए वह खास तरीके से हिलते हुए हवा में तैरता है। वह हवा में अंग्रेजी भाषा के अक्षर एस आकार बना देता है। इस प्रकार को अंडुलेशन कहा जाता है। यह गतिविधि ही उसे उड़ने वाला सांप बना देती है, जिसकी वजह से उन्हें ग्लाइडिंग स्नेक भी कहा जाता है। क्रिसोपेलिया प्रजाति के सांपों को आमतौर पर उड़ने वाला सांप कहा जाता है। दक्षिणी पूर्व एशिया के अलावा भारत, श्रीलंका, दक्षिणी चीन और फिलीपींस में भी पाए जाते हैं। इनका जहर जानलेवा नहीं माना जाता है, यानी वे उन जहरीले सांपों की श्रेणी में नहीं आते हैं। इनका जहर इंसान की जान ले लेता है। आमतौर पर ये भोजन के लिए छिपकली, कुतरने वाले जीव, चमगादड़, कुछ पंछी तक का शिकार करते हैं। इनमें से जिस खास प्रजाति का अध्ययन किया गया है वह पैराडाइज ट्री स्नेक कहलाता है। यह उड़ने वाले सांपों में सबसे छोटी प्रजाति है। इसकी लंबाई करीब 3 फीट तक होती है। काले रंग के इस सांप पर हरी धारियां होती है।